अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम चिकन, 250 ग्राम लॉन्ग ग्रेन चावल। इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। चावल को एक घंटे के लिए भिगो के रख दिया था पहले से। अदरक लहसुन का पेस्ट, रिफाइंड ऑयल, टॉप्स का अचार है ये, मिर्ची का, कटी मिर्ची का, ये बिरयानी में डालने के लिए वो लोग मिलता है ये, दही, कलर, केवड़ा वाटर, और हमें चाहिए 3 कटी हुई हरी मिर्ची, 1 कटा हुआ प्याज, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ छोटी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, खड़ा मसाला गरम, जीरा, 3 हरी इलायची, आधा काली इलायची, 6-7 काली मिर्च, 2-3 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, और ये भुनी हुई प्याज है तली हुई, जिसको मैंने पहले से तल के रख लिया था, क्योंकि मैं अक्सर बिरयानी बनाती रहती हूँ तो प्याज को कभी कभी ज़्यादा तल लेती हूँ तो रख लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बिरयानी। हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम अपनी प्याज को अच्छे से भूनेंगे, हल्की ब्राउन करेंगे इसको। हमारी प्याज भून गई है, अब हम इसमें अपने साबुत गर्म मसाले डालेंगे और चिकन डालेंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया है इसमें। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे चिकन को। हमारा चिकन अच्छे से भून गया है, ये देखिए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें दही डालेंगे 2 चम्मच। अब इसकी भी हम 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। धनिया पाउडर, सौंफ, किसी भी सौंफ है ये। अब हम इसको चला लेंगे, ये देखिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा गोश्त भुन चुका है, देखिए कितने अच्छे से भुना हुआ है। अब हम इसमें 1 चम्मच मिर्ची का अचार डालेंगे।
इसके बाद फिर हम इसे चलाएंगे, मिला देंगे चलाकर। ये देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से हो गया है, देखिए बिल्कुल इसने अपना तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने एक गिलास चावल लिया है, एक पाव आता है इसमें गिलास में चावल, तो हम डेढ़ गिलास पानी लेंगे। क्योंकि ये कच्चा चावल है तो कम पानी लेता है, और अक्सर बिरयानी पानी की ही वजह से खराब होती है। हमने अपना ये पानी डाल दिया इसके अंदर, अब हम इसे पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे पानी में खोल आ गया है चिकन में, और देखिए चिकन भी हमारा गल चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं, और जब हमारी ये पक जाएगी तो हम इसको दम लगा लेंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इसको ढक के पका लेते हैं। हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें कलर डाल देंगे। कलर मैंने थोड़ा ही डाला है। प्याज डाल देंगे और इसे दोबारा से दम पर लगा देंगे, और इसके ऊपर कोई भारी सी चीज रख देंगे जिससे कि हवा इसकी भाप निकल ना पाए। हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। लीजिए हमारी मुरादाबादी बिरयानी तैयार है। ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बनी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी बिरयानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट भी करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।